नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इंडियन नेवी एमआर के लिए एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। हर एक क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में दिख रहे घंटी के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड किए गए हैं। कुल 50 क्वेश्चन है दोस्तों, 30 मिनट आपको जो है टाइम मिलेगा इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और वीडियो पूरा देखने के बाद मुझे जो है ऑनेस्टली कमेंट करके बताएगा कि आपको इन 50 में से कितने क्वेश्चन आते थे। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। दोस्तों क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा या फिर सदस्य नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत का राष्ट्रपति, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द ब्लू वाटर पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्टुगीज लीडर। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिसो डी अल्मीडा। फ्रांसिसो डी अल्मीडा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये जो है पहले दोस्तों भारत के पहले जो है पुर्तगाली गवर्नर थे, 1505 में इन्हें बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, द फाउंडिंग फादर ऑफ थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वॉज नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन है। दोस्तों क्वेश्चन कहता है, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, एल्टन मेयो। एल्टन मेयो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। जर्मनी के प्रसिद्ध समाजशास्त्री दोस्तों वेबर ने नौकरशाही का विस्तृत जो है विश्लेषण किया है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन संयुक्त राष्ट्र संघ कब दोस्तों आपका जो है अस्तित्व में आया था। तो आप सभी को पता है 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अबुल फजल वाज द सन ऑफ विच सूफी संत। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, शेख मुबारक। शेख मुबारक के दोस्तों पुत्र थे कौन, जो है अबुल फजल। अबुल फजल दोस्तों जो है एक अरब के हिजाजी परिवार से थे, और दोस्तों इनका जो जन्म है वो 14 जनवरी 1551 को हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो आप सभी को बताए दोस्तों, जो फ्रांसीसी क्रांति है वो दोस्तों 1789 को जो है हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द सॉन्ग वंदे मातरम अकर्स इन द बुक वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं दोस्तों, आपको बताना है कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसके लेखक दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, आपको बताना है कि किस पुस्तक से लिया गया है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, जो उपन्यास आनंद मठ था उससे जो है ये गीत लिया गया है वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच मॉस्किटो इज द करियर ऑफ जीका वायरस। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, एडीज। जो एडीज मच्छर होता है दोस्तों वो जीका वायरस का वाहक होता है, या फिर आप कह सकते हैं कैरियर होता है जीका वायरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, जियोथर्मल एनर्जी इज द मैक्सिमम यूटिलाइज्ड इन। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहां होता है। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहां होता है। तो दोस्तों इसका जो अधिकतम उपयोग होता है वो आइसलैंड में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, रूट कैप इज डिराइव्ड फ्रॉम। रूट कैप इज डिराइव्ड फ्रॉम जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है, रूट कैप इज डिराइव्ड फ्रॉम। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है कैलिप्ट्रोजन। कैलिप्ट्रोजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम आर इन। द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम आर इन। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। दोस्तों थोरियम का सबसे बड़ा भंडार आपको बताना है दोस्तों, जो थोरियम है आवर्त सारणी के एक्टिनोइड श्रेणी का प्रथम तत्व है। थोरियम धातु की खोज 1828 को जो है बर्जिलियस ने जो है की थी दोस्तों। अगर हम बात करें इसका सबसे बड़ा जो बिगेस्ट भंडार है दोस्तों वो जो है भारत में है, और भारत में भी अगर हम बात करें तो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज
यूथेनेशिया निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला प्रथम देश बन गया है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड्स। दी नीदरलैंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला विश्व का प्रथम देश नीदरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, शिव कुमार शर्मा इज अ फेमस फॉर प्लेइंग द। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इंडियन नेवी MR में, ध्यान से सुनिएगा। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक थे? दोस्तों शिव कुमार शर्मा संतूर, आप सभी को पता है दोस्तों संतूर के जो है प्रसिद्ध वादक थे, और इनका जन्म दोस्तों 13 जनवरी 1938 को हुआ था। ये दोस्तों प्रख्यात भारतीय जो है संतूर वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज ब्लेड रनर। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली कॉल्ड एज अ ब्लेड रनर। निम्नलिखित में से कौन ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्ल प्रिटोरियस, यानी आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑस्कर कार्ल प्रिटोरियस। ऑस्कर कार्ल प्रिटोरियस दोस्तों दक्षिण अफ्रीकी जो है एक धावक है दोस्तों, इन्हें जो है ब्लेड रनर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, FCRA एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्टैंड फॉर। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? आपको फुल फॉर्म बताने दोस्तों FCRA। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ दोस्तों, जो F का मतलब होता है वो होता है फोरिजन, C से कॉन्ट्रीब्यूशन, R से दोस्तों रेगुलेशन और एक्ट। यहाँ पर देखिए दोस्तों फोरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द फॉलोइंग वॉज द हार्बर इन द हड़प्पा साइट। द फॉलोइंग वॉज द हार्बर इन द हड़प्पा साइट। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? तो आप सभी को पता है दोस्तों जो लोथल था वो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख जो है बंदरगाह था। लोथल दोस्तों भगवा नदी गुजरात के किनारे स्थित है, गुजरात में स्थित है, भगवा नदी गुजरात में जो है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द फेमस बृदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन। प्रसिद्ध बृदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है। द फेमस बृदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन। प्रसिद्ध बृदेश्वर जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा तंजावुर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जो ये तंजौर है दोस्तों या फिर तंजावुर आप कहें, ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसका जो निर्माण है वो चोल शासक राजाराज जो है चोल द्वारा बनवा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, नालंदा महाविहार साइट डैश में है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए नालंदा महाविहार साइट बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया? हु स्टार्टेड गणेश फेस्टिवल। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि जो गणेश महोत्सव है उसका आरंभ किसने किया था? हु स्टार्टेड द गणेश फेस्टिवल। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोकमान्य तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 1893 यानी 1893 में गणेश महोत्सव का जो है प्रारंभ महाराष्ट्र में किया गया था। तिलक ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें 1882 में पत्रकारिता के कारण जो है सजा हुई थी, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। इन्होंने मराठा एवं केसरी पत्रिका का भी संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ अ पावर टू डिक्लेयर एमरजेंसी। भारतीय संविधान के अनुसार आपात की घोषणा जो है करने का अधिकार किसको होता है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार जो आपातकाल की घोषणा है वो आप सभी को पता है, केवल जो है हमारा जो है भारत का राष्ट्रपति ही जो है इसकी घोषणा कर सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 352 में आपात, उसके बाद 356 में राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन और 360 में दोस्तों वित्तीय आपात, यानी 3 प्रकार का जो है आपात यहाँ पर जो है बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट।
किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत, इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा जो है लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यूरेनस इज द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन। यूरेनस सूर्य से डैश हुआ ग्रह है। आपको बताना है कि दोस्तों यूरेनस सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरुण, यानी जो यूरेनस होता है दोस्तों वो जो है हमारे सौरमंडल का सातवां जो है सूर्य से ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, द वार्म एंड द कोल्ड ओशियन करंट्स द कोज्ड बाय गर्म एवं ठंडी धाराएं किसके कारण चलती हैं? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन चारों के कारण ही दोस्तों ठंडी और गर्म समुद्री धाराएं चलती हैं। किसके कारण दोस्तों? सबसे पहले आपका जो है प्रचलित हवाएं, पृथ्वी के घूर्णन, समुद्र जल के घनत्व में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे? नॉर्वे देश की राजधानी क्या है? दोस्तों नॉर्वे देश की जो राजधानी है वो ओस्लो है। नॉर्वे देश की जो राजधानी दोस्तों वो ओस्लो है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, डैश इज दी चाइनाज सोरो। डैश को चीन का दुख कहा जाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हुवोंग हो जिसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी, इसे दोस्तों जो है चीन का दुख कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों लंबाई के अनुसार दोस्तों यह विश्व में सातवां स्थान रखती है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सिल्वर गेट्स कोरोडेड ड्यू टू इन एयर। दोस्तों आप सभी को पता है चांदी हवा में डैश की उपस्थिति के कारण संरक्षित हो जाता है। सिल्वर गेट्स कोरोडेड ड्यू टू डैश इन एयर। चांदी हवा में डैश की उपस्थिति के कारण संरक्षित हो जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसे हम H2S भी कहते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, विच ऑफ द एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आप सभी को पता है, जो दोस्तों यूरेनियम है वो एक रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन कंटेन्स एसिड? निम्नलिखित में से किस पाचन अंग में अमल होता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, जो हमारा स्टमक होता है, अमाशय होता है, उसमें जो है आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है दोस्तों, HCl। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, पर्पज ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर आएगा दोस्तों यहाँ पर इज टू। प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है? पर्पज ऑफ एन ऑप्टिकल फिल्टर इज, प्रकाशीय फिल्टर का जो है उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसमिट और अब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेश करना। दोस्तों यहाँ पर ऑप्टिकल फिल्टर का जो है ये पर्पज पूछा है, लेकिन एक ऑप्टिकल फाइबर भी होता है दोस्तों, जो कि आप जो है नॉर्मली कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द बोटलिंग टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई द आइसोलेटेड प्रोटीन इज। द बोटलिंग टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई द आइसोलेटेड प्रोटीन इज, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमी शोषक यानी वेस्टर्न ब्लोटिंग दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वेस्टर्न ब्लोटिंग यानी पश्चिमी शोषक। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी बेस्ट स्टडीड एट। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का जो है अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी बेस्ट स्टडीड एट। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज या फिर मध्यावस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, द चौक यूज्ड विद अ ट्यूब लाइट इज बेसिकली। ट्यूब लाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः क्या है? द चौक यूज्ड विद द ट्यूब लाइट इज बेसिकली, ट्यूब लाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः क्या है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो चौक होता है एक प्रकार का इंडिकेटर, इंडक्टर या फिर प्रेरक आप कह सकते हैं। एन इंडक्टर
प्रेरक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्यूरी इज अ यूनिट ऑफ डैश, क्यूरी किसकी यूनिट है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, जो क्यूरी है वो रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की जो है यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर वी यूज, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अग्निशमन यानी दोस्तों आग बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आप सभी को पता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन व गंधहीन गैस होती है दोस्तों, ये जो है आग से ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देती है और जो है आग जो है बुझ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज इज, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो दोस्तों जो क्वार्ट्ज होता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द सेव्स द बायोस्फीयर बाय अब्जॉर्बिंग हाई एनर्जी रेडिएशन कॉल्ड ओजोन, जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीव मंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं? ओजोन सेव्स द बायोस्फीयर बाय अब्जॉर्बिंग हाई एनर्जी रेडिएशन कॉल्ड, ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीव मंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी को बताना चाहिए दोस्तों, जो ओजोन लेयर है हमारे एटमोस्फेयर में वो अल्ट्रा वायलेट रेज यानी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको जो है अब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर स्काई वुड अपीयर, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा? दोस्तों अगर हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो न हो पृथ्वी में तो दोस्तों आपको बताना है कि जो आकाश है वो फिर किस प्रकार का प्रतीत होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक यानी काला जो है वो दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, बायोफिल्टर्स कन्वर्ट नाइट्रोजन टू जैव उर्वरक, नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं? दोस्तों जो जैव फिल्टर होते हैं वो नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ कार मूविंग अराउंड अ कर्व, किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल जो है काम करता है? दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, कई बार जो है ऐसे सर्कुलर जो है टर्न्स होते हैं, ये मान लीजिए गाड़ी दोस्तों आपको बताना है, जब ये गाड़ी इसके चारों तरफ घूम रही है तो कौन सा बल इस प्रकार करेगा? तो आप सभी को पता है दोस्तों, इस पर जो बल कार्य करेगा वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल दोस्तों सेंटर की तरफ लगते हैं, सेंटर की तरफ लगते हैं, वो जो सेंट्रीपिटल होते हैं वो अवे फ्रॉम सेंटर लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, व्हिच फिनोमेना इज रिस्पांसिबल फॉर द इको ऑफ साउंड वेव, ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है? ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्शन परावर्तन। ध्वनि कारण जो ध्वनि होती है दोस्तों उसकी गूंजों के गूंज के कारण के लिए रिफ्लेक्शन परावर्तन जो है जिम्मेदार होता है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2, 5 इन द न्यूमरल 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 6, 7, संख्या 5, 4, 3, 5, 6, 7 में 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, इन दोनों जो 5 हैं इनके स्थानीय मान का अंतर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगर हम दोस्तों संख्या 5, 4, 3, 5, 6, 7 में 5 का स्थानीय मान देखें तो एक तो आता है दोस्तों 5 लाख के लगभग और दूसरा 500। अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 49950 जो है इसका डिफरेंस आएगा, जो कि जो है इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, राइट द स्मॉलेस्ट 6-डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 1, 6 एंड 9, 1, 6, 9 का प्रयोग करते हुए दोस्तों हमें जो है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है 1111169, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अरेंज द फ्रैक्शंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, भिन्नों को अवरोही क्रम में आयोजित कीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों आपको ये भिन्ने जो है आयोजित करनी है, तो ये क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली इसका आंसर दे पाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही डिसेंडिंग ऑर्डर में ये दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों,
चूज द करेक्ट आंसर, सही विकल्प आपको चुनना है 3/4 - 2/3 × 0। तो यहाँ से आप देखिए दोस्तों, इसका जो अगर आप इसे एलसीएम लेके जो है यहाँ पर जो है सोल्व करेंगे, उसके बाद जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप सभी को पता है इसका जो राइट आंसर आएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ए आएगा, 3/4, ऑप्शन नंबर ए जो है इसको सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी है दोस्तों, 27 की पावर 1/3 दी हुई है दोस्तों। आप जो है 27 को ब्रेक कीजिए 3 की पावर 3, इसके बाद दोस्तों इसकी पावर 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 दैट इज 3 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 2×3 + 1/3 - 1/3। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों ये तो जो है कैंसिल हो जाएंगे, 0 और 2 × 3 = 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों 0 = 0, 1 है, तो आप सभी को पता है दोस्तों जो 0 है वो एक पूर्ण एवं पूर्णांक संख्या है, यानी आप कह सकते हैं कि ये जो है एक होल नंबर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों एरिया ऑफ अ सर्कल इज, आप सभी को पता है दोस्तों इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, इन्हें ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए 20 डिग्री है, एंगल बी 60 डिग्री है, एंगल सी आपको निकालना है, तो बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है तीनों एंगल का जोड़ जो होता है ट्रायंगल में वो दोस्तों कितना होता है 180 डिग्री। दो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, एक वैल्यू आप निकाल देंगे तो 100 डिग्री इसका सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों फाइंड 20% ऑफ 365 डेज, दोस्तों 365 दिनों का 20% आपको बताना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 365 दिनों का आपको 20% बताना है, तो इसे सोल्व कीजिए और आपके पास जो है 73 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये जो है मैंने आपको पूरा का पूरा एक मॉक टेस्ट या फिर आप प्रैक्टिस सेट या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर कुछ भी कहें, ये जो है पूरा का पूरा मैंने आपको करवाया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों एग्जाम की अगर मैं आपको बात करूं तो कई बार ऐसा होता है कि कई क्वेश्चन इतने ज़्यादा ईजी आ जाते हैं जो कि आपको देखते ही बता देते हैं, लेकिन कई दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टफ भी आते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल दोस्तों मॉडरेट पेपर था, अगर मैं इसकी सेफ स्कोर की बात करूं तो 35+ जो है अगर आपने इसमें स्कोर किया है तो डेफिनेटली दोस्तों आप एग्जाम को क्रैक करने की तैयारी में है, आप डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस एग्जाम का जो लेवल है वो आपके एग्जाम के लेवल की तरह ही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंडियन नेवी MR के लिए अगर आप जीके या फिर साइंस की बुक खरीदना चाहते हैं तो हमने PDF तैयार किए हैं, पिछले साल भी उसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आए थे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, और नेवी MR के अगर आप प्रैक्टिस सेट अभी खरीदना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, घर बैठे आप जो है प्रैक्टिस सेट को भी ऑर्डर कर पाएंगे। बाकी दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।